का दिन भगवान दिखाया पोता प्रदीप मुकेश जी के लाया आया नंद घर कृष्ण मुरार हो। जिस प्रकार द्वापर में साकार रूप धार के नंद जी के घर में श्री कृष्ण जन्म लिया था, उसी प्रकार करते हैं कि वो ही नन्हा बच्चा भगवान उसकी सदा देख रेख करे, अपना आशीर्वाद उसे बना रखे। बोला वो खुशी मना वो फुली नहीं समावे पोते ने लाज लगावे ताची फुली नहीं समावे पोते ने लाज लगावे लगावे लाज वकर रही प्यार हो खुशी मनाओ प्यार हो। और मुकेश जी हमारे संसार की समाज की धारणा है, वही धारणा इस परिवार में भी रहती है। कौन सी खुशी में भरता है क्योंकि काम ही ऐसा है। और वैसे तो सारी रात निकाल दो एक ही बात में, लेकिन एक दुआ दिल से निकलती है के भली कर भगवान कमर
आनंद छाया दिल में भूली नहीं समाया आया अरे तारी परे तारो अद्भुत माया भेद नहीं पाया देखो कहीं गर्मी कहीं सर्दी कहीं धूप कहीं छाया देखो पंकज लड़के का देखो ये बागी पुत्र जाया देखो परमेश्वर की माया से भी पर्वत हो जा कांकरी कर्मों से ही राजा बने कर्मों से करे चाकरी भारी एहसान यहां पर बैठे मुकेश भाखरी मूर्ख नर और पहल पशु कह मूर्ख और नर पहल पशु कह चढ़ता रहे मोटापा उसके वश में सब हो जाते जिसके घर में जिसके वश में आपा जिस घर में हो जापा उस घर पहले दाई दास है मुकेश कुमार के पोते की आज खुशी मनाई दास है मूर्ख नर और पहल पशु वो नहीं मारने दम में मूर्ख नर और पहल पशु वो नहीं मारने दम में ऐसा दीन दयाल प्रभु गिरे हुए न थम रे पुत्र दाम पियर मले बेली नाई दास है मुकेश कुमार के पोते की आज खुशी मनाई दास है भजनों के प्रेमी ने मी इस सज्जन जन बैठे तमाम हार दो सिंगार करके आई यहां पे जितनी बाम खूब जो खुशी मनाई सिद्ध सारे किए काम ले पोते ने गोद खिलावे राजी हो रही दादी परमेश्वर के बदन करे ते मिट जाया दी व्याति पुत्र की भी खुशी मनावा भीतर बैठी अम्मा घनी बधाई कट्ठी करगी बैठी यहां पर छम्मा एकर सोलह श्रृंगार यहां पे बड़ी बड़ी आई जो गाता ने कलाकार बनकर खूब करी कविता आई जो पर कितने होते आवरण ना बात जो बताई जो सोलह श्रृंगार कुदरती साथ पैदा होते हैं और सोलह बाद में करती है आज बतेरे श्रृंगार की होंगे आपने भी खुश हो क्या सर ये भी रोज श्रृंगार करके जाती है आप भी सुन लेना सोलह श्रृंगार कुदरती कौन से साथ पैदा होते हैं और बाद में कौन से करती है ये पैदा होते सात शरीर के पैदा होते सात शरीर के ये सोलह श्रृंगार सुनो भाई सोलह करती फिर बाद में उनका भी विस्तार सुनो सोलह श्रृंगार तो जो ऊर जिसको बोलते हैं कुदरती शरीर के साथ पैदा होते हैं उसमें चार पशुओं के गुण होते हैं चार पक्षियों के गुण होते हैं चार फूलों के गुण होते हैं चार फलों के गुण होते हैं और सोलह बाद में करती है पैदा होते सात शरीर का ये सो भाई ओ भाई ये समाज सेवा रोक ले पांच मिनट एक बार पाचक करी जाइयो तुम सारा काम सुनने की बात है सुनो क्यों जो अलग अलग जो श्रृंगार हैं उनके अलग अलग महत्व होते हैं ये खुशी का अवसर है माता बहन अब बहुत करना पड़ेगा और रंग चाव लगाने पड़ेंगे डेली तो आप भी ध्यान करना कौन से श्रृंगार करने चाहिए कैसे कैसे करने चाहिए मैं भी सारी रात नचा की ताली बजवा के जा सकूं लेकिन समय मिला तो कुछ अच्छी बात बता के जाऊं यही मेरा मकसद है कौन कौन से होते हैं के हाथी कैसी चाल चार पशुओं के गुण होते हैं औरतों में
हाथी कैसी चाल ख्याल कर मृग नैन हुन यार बताया, खर्रे कैसे कान ध्यान ला मिले ज्ञान में सार बताया, चित्ते कैसा लंगूर का बना दिया करतार बताया, स्त्रियां की भी छिद मिल जा होली कोड़ त्योहार बताया, पशुओं में ये चार बताया पक्षी भी हूँ चार, हाथी बूंदी नारी सारी ये अच्छी बूंदी नारी सारी बना दई भगवान, सुनो रे चार किस्म की क्रिया होना सबका एक निदान सुनो, होम होरा कीरनाश का कोयल जिसी जुबान सुनो, खंजन जैसी होए चपलता खूब लगा के ध्यान सुनो, प्रधान सुनो जो होए सुबह में करते सही निखार सुनो, दे ग्रुप कमुआन मावड़े मिट्टी काय स्थूल बताया, पैदा सोना पैद जगत में ये प्रजा का रूल बताया, बचके हो जा पारदार से राम नाम निज मूल बताया, हृदय कमल ना भीत में ली मवाक बोलिए सूल बताया, चार किस्म का फूल बताया, कनक गिरिवा सुधार सुनो, श्रीफल जैसा सी सूर का, श्रीफल नारियल को बोलते हैं, श्रीफल जैसा सी सूर का दाड़ में जैसे दांत देखिए, छोटी छोटी कूच कला से नींबू कोकरे मात देख, होठ गिलोरी पानी सांस ली दिया की दात देख, नंदा लाल का बेगराज कविता में विख्यात देख, सोलह साथ पैदा होते सोलह फिर करती लुगाई, सोलह साथ पैदा होते सोलह फिर करती लुगाई, कविता रूपी गहना होता कवियों की ये चतुराई, अंग सूची मज्जन करना दिव्य वस्त्र पहरे भाई, अंग सूची मज्जन करना मज्जन स्नान को बोलते हैं, बतेरी सी है तड़के बारह बजे पाछे नहाऊंगी हार उठती है बासी मुंह रसोई में बढ़ जाएंगी, फिर न कोई मारे तो बरकत को नहीं हो, बरकत कितना हो नहा दो फिर रसोई में घुसना चाहिए, अंग सूची मज्जन करना दिव्य वस्त्र पहनना, साफ सुथरे कपड़े पहन के रसोई में जाना चाहिए, दिव्य वस्त्र पहरे भाई अरग जा अंग में मड़े, हस्तो कै मेहंदी लगावे उसने हसे मुख और मुख राग राग गावे, नख रंगना स्याही गाले अधरों पे लाली रचावे, लज्जावती के सुधारना मांग में सिंदूर भरे, जिबकु पर तिल करती मस्तक ऊपर बिंदी धरे, पतिव्रता नारी हो वो पूरे कर्मों से ती डरे, पतिव्रता पति साथ करे नहीं छल देखो, पतिव्रता पति साथ करे नहीं छल देखो, देरी है स्वरूप सिंधु शील रूपी जल देखो, साफ सुथरी रहना साथी त्याग देती मल देखो, ये दुख सुख रोग भोग लिखे प्रारब्ध में, पतिव्रता सुखी रखती अर्धम पति पद में, शील सबर संतोष धारती भरे नहीं मध्य में, सती पति को नहीं नाराज रखे हो, पति की मति दिल अंदाज रखे हो, वो धर्म कर्म श्रम रूपी पाज रखे हो, ये बदनों के प्रेमी ने मी सजन जन बैठे तमाम, बदनों के प्रेमी ने मी सजन जन बैठे तमाम, बारह होते आवरण उनके भी गिनाऊ नाम, बारह तिलक ज्योतिषी जी बैठे हैं, द्वादश तिलक बताए हमारे हिंदू धर्म में, और द्वादश ही आवरण गहने तुम बताइए, शादी में अब रंग चाव करोगे आप, सूचक भी आओगा तुम भी आओगी माँ की भी, तो उनमें मुख्य कौन सी होती है उनका ध्यान रखना, इब नहीं समझ माओ तो फोन करके पूछ लियो बता दो, द्वादश तिलक जितने होते हैं उतनी गहने होते हैं, बारह होते आवरण उनका भी बताऊं नाम, नूपुर किंकणी तीसरा बताया रे, नूपुर किंकणी तीसरा बताया यार, बाजू बंद कंगन और चूड़ियों की तनकार, मुंदड़ी कंठ सिरी मुक्का बेसर की बार, बिरयाटी का शीश फूल बारा ये बताए त्यार, खेते के सोराम नाम लेने से हो जाते पार, आया आया आया।
वाले गुरु